KTM RC 125. सो ये है न्यू बाइक फ्रॉम द KTM 125 सीसी में लॉन्च किया है. हाँ भाई दे, जिन लोग को पता नहीं, KTM RC वॉज माई फर्स्ट बाइक. KTM RC 390 मेरे पास सबसे पहले था, मतलब 2015 का मॉडल. उसके वजह से ही जो टूरिंग और ये सब है, ये चीज़ें मेरी स्टार्ट हुई. ये गाड़ी को लेके मैं कोकेन राइड किया हूँ, उसके बाद अहमदाबाद राइड भी किया हूँ विथ वेंडरसेन. तो वो सब वीडियो आपको लाइक प्लेलिस्ट में जाके मिल सकते हैं. तो अभी चलाते इस बेबी RC को, लेट्स सी कि कैसी है. अरे बाबा, बहुत दिनों बाद रे भाई. अभी ना ये चीज़ की मेरे को आदत नहीं है. ओके सो हो KTM से स्मूथ इंजन. गाइस KTM का इंजन इतना स्मूथ मैंने आज तक कभी नहीं देखा है. इतना स्मूथ इंजन है, बाप रे. ब्रेक बाइट काफ़ी बढ़िया. वैसे भी RC की तो ब्रेक बाइट हमेशा ही अच्छी थी. Let's go. काफ़ी बढ़िया हैंडलिंग है यार. ऑब्वियसली यार, लाइक सब कुछ 390 का ही है, जस्ट इंजन जो है उसको छोटा कर दिया है. तो जो हैंडलिंग थी कॉर्नर्स में, जो आप नी स्क्रेप कर सकते हो, वो सब वैसे के वैसे ही है. खाली ना पावर यार, लाइक ऑब्वियसली 125 है, वो मुझे हमेशा समझ के चलना है कि दिस इज़ 125. बट अगर आप इसको रेव जो है वो अराउंड 4000 के ऊपर रखते हो, तो आपको जो भी एक्शन वैक्शन है वो मिलेगा. मिरर्स पहले से काफ़ी बड़े हो गए. हमारे तो ऐसा इतना सा मिरर रहता था, उसमें कुछ भी नहीं दिखता था पुराने RC में. ओके यार, अभी आदत नहीं है यार ऐसे लाइक झुक के गाड़ी चलाने की. बट अभी आया ही था KTM शोरूम, तो सोचा कि चलो एक छोटा सा राउंड मार लेते हैं. वैसे सस्पेंशन थोड़ा सा उन्होंने नॉर्मल कर दिया है. अगर आप देखोगे जो पहले आता था हमारा गाड़ी 390 वाला, उससे सॉफ्ट सस्पेंशन है, इतना हार्ड नहीं है. ओके यार सही है यार, लाइक मुझे तो पसंद आया ये गाड़ी. क्योंकि जो पोजीशन है वो है आपका स्पोर्ट बाइक का, वो भी प्रॉपर है. लाइक आपको पूरा क्लिप ऑन और ये सब मिलता है, एंड जो आपके फुट पैक है वो भी पूरे पीछे है, सो दैट आप कॉर्नर कर सके. एंड दैट टू इन 125 सीसी, क्योंकि आपको जो एवरेज है वो भी अच्छा खासा मिल सके. तो इसमें लाइक सब कुछ हो जाता है आपका. ये देखो, सो आरपीएम लिमिटर. ओके सो लगभग 8000 आरपीएम तक जाती है, मतलब फ्रॉम 3500 से स्टार्ट होता है एक्शन एंड टिल 8000 आरपीएम तक जो एक्शन है वो जाता है. और आप ये देख सकते हो क्या कॉर्नरिंग है यार. हाँ अभी फिलहाल मैं डोमिनार पे जो भी कॉर्नरिंग करता हूँ वो बिकॉज ऑफ RC, क्योंकि RC ने मुझे सिखाया है किस तरह से झुकना है गाड़ी के ऊपर ट्रस्ट करके. वाओ, और बहुत दिनों बाद ही ऐसा यार. ये पोजीशन है लाइक क्या बताओ आपको, ये बहुत सालों बाद, मैं एक्चुअली 3 सालों बाद RC के ऊपर बैठा हूँ. हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. एंड सबसे मेन चीज़ जो मेरे फुट पैक्स है उसमें मेरे को बिल्कुल भी हीट नहीं लग रही है. क्योंकि अगर आपको याद रहेगा 390 2015 वाला, उसमें हीटिंग इशू तो इतने गंदे थे कि लाइक हमको हाईवे पे कभी कभी साइड में गाड़ी लगा के रुकना पड़ता था, जस्ट बिकॉज कि गाड़ी थोड़ा सा ठंडा हो जाए एंड फिर हम लोग उसको राइड कर सके. बट अभी फ़िलहाल तो ये सीन तो नहीं है विथ 125 सीसी बाइक.
क्लच जो है काफ़ी लाइट है, ये जब से आरसी में स्लिपर क्लच वाला वेरिएंट आ गया था तब से जो क्लच है वो एकदम सॉफ्ट हो गया था। मेरा विदाउट स्लिपर क्लच वाला गाड़ी था और माय गॉड जो मेरे हाथ की लगती थी क्या बताऊँ आपको। बाप रे, छोटे इंजन के ऊपर इस तरह से ओवरटेकिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा टाइम लेती है ऑब्वियसली पिकअप पकड़ने में। वाओ, ड्यूल चैनल एबीएस, ये भी बहुत अच्छा एडिशन है यार। अभी लाइक हर एक गाड़ी में एबीएस आ रहा है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, बट इसमें ड्यूल चैनल है या सिंगल चैनल है आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। ओहो नो, सिंगल चैनल एबीएस। बट ठीक है यार, लाइक आरसी के ऊपर आपको पूरी जो ब्रेकिंग है वो फ्रंट से ही करनी है। सही है यार, लाइक 125 सीसी होने के बावजूद जिस तरह से ये पुल करता है जब भी अपनी रेवरेंज में रहता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक। वाव, मजा आ गया यार इतने सालों बाद आरसी को राइड करके, व्हाट अ बाइक। दोस्तों बैक टू शोरूम, और ये गाड़ी का रिव्यू ऐसा रहेगा कि अगर कोई भी बंदा है जिसको कमिटेड राइडिंग पोजीशन जो है वो पसंद है, ट्रैक डे करना है उसको, ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलाना है और ट्रैक के ऊपर किस तरह से लाइक यू नो रेसिंग में आना है, प्रॉपर रेसिंग में, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट गाड़ी है फॉर द स्टार्टर्स। एंड अगर सिटी में भी चलाना है तो यार इंजन गर्म नहीं होता है, वो तो बेस्ट पार्ट है इसका, ये जो इंजन है वो बहुत सही है कि गर्म नहीं होता है, नहीं तो ये जो यहाँ पर आप पैर रखते हो और यहाँ पर आपका इंजन है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो बेस्ट बाइक अगर आपको लेना है तो जस्ट एक ही निगेटिव है कि ओवर प्राइस मेरे को लगा गाड़ी, बाकी तो सब सही है यार, बहुत बढ़िया है।